and all the people say, you can't wake up, this is not a dream, like a play. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताना जा रही हूँ कि आप गुना कवर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक गुना पीस लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और दोनों साइड से जो है आप सिलाई ले लेंगे, ये देखिए इधर से ले लेनी है यहाँ तक। सेकेंडली आपको यहाँ से यहाँ तक ले लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और एंड में ऊपर से सिलाई लेनी है। मेरे पास ये कमेंट जो है सविता जी ने किया है, सो थैंक यू सो मच सविता जी, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसे देखकर आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम पहले दोनों साइड से सिलाई ले लेते हैं। एक साइड से जो दोनों कम वाले हिस्से हैं दोनों साइड से वहाँ से सिलाई लेनी है, और जो बिल्कुल लंबा हिस्सा रह जाता है हमें जो है उसकी सिलाई बाद में करनी है। तो इससे जो है एक ऐसा गुना कवर बनेगा जिससे कि आपको बार बार गुने के बीच में कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और ना उसे बार बार जोड़ने का ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप, क्योंकि अगर आप गुने के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो बीच में उन्हें जोड़ना पड़ता है, जैसे जैसे मछली बनाते हैं उन्हें जोड़ना पड़ता रहता है। तो मैं दूसरी साइड से भी सिलाई कर रही हूँ, सो आप देख लीजिए। इस तरह से आपको इजीली, आप अगर आधा मीटर गुना लाते हैं तो उसमें से वापस आधा और निकाल लें, आधे मीटर में से आधा और निकाल लें, फिर आधे आधे के दो पीस बन जाएंगे। अब देखिए जब आप इसे दोनों साइड से जोड़ लेती हैं तो एक लंबी वाली जो साइड है उसको आप इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब उसको बीच में से ऊपर उठाना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा देती हूँ, देखिए ये बिल्कुल एकदम प्लेन है, दोनों साइड से सिला हुआ है, बीच में से आप उसको इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ दिखाना चाहती हूँ जिससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, ये इस तरह से आपको पकड़ना है, ठीक है। ये इस तरह से जब आप इस तरह से पकड़ेंगे तो इसकी एक झोपड़ी की डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए बीच में इस तरह से कपड़ा रहेगा, दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर आएगी। जो आपने दो छोटी सिलाई ली थी साइड में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और जो बीच में जो ये पूरा लंबा आपको हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए ये एक झोपड़ी की डिज़ाइन बन चुकी है नीचे उस साइड से भी। अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा ये एरिया दिख रहा है पूरा बड़ा वाला लंबा, ऐसे आपको जो है ये बड़ी साइज़ में जो है आप पूरी यहाँ पे सिलाई कर लें और इसको पूरा पैक कर लें। इसके बाद जो है ये पूरा पैक हो जाएगा, एक बैग सा बन जाएगा जो आपको बाद में कटिंग करने में जो है आसानी रहेगी। और आप इसको जो है अगर चाहें तो एक साथ में काफ़ी मीटर तक जो है कटिंग कर सकते हैं, जितना हो सके अगर आपको जो जितना चाहिए उतना गुना आप जो है इससे कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो है वैसे तो गुने के मछली बनाकर भी कटिंग की जाती है, लेकिन उससे जो है बेस्ट तरीका अगर देखा जाए तो ये रहता है, क्योंकि इसमें जो है आपके पास टाइम इसमें लगता है क्योंकि अपन को धीरे धीरे और बराबर कटिंग करना पड़ता है, बट इसमें जो है बार बार पीस नहीं जोड़ने पड़ते हैं। तो देखिए ये झोपड़ी सा आपको दिख रहा है, मैंने साइड से सिलाई ली थी तो वो दोनों साइड देखिए दोनों सिलाई नीचे दोनों सिलाई बिल्कुल बराबर है, दो छोटी सिलाई बराबर है और एक बड़ी सिलाई मैंने जो है तिरछी ली थी। मैं आपको बार बार ये करके दिखा रही हूँ मैंने कहाँ से सिलाई ली है, ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना, बहुत ईजी है। दो साइड से सिलाई लीजिए, फिर तीसरी साइड से उसको बीच में से उठाकर सिलाई लीजिए, पूरा एक बैग की तरह बन जाएगा। अब आप चाहें तो इसको कहीं से भी कट कर सकती है, चाहे यहाँ से किसी भी कॉर्नर को, एक कॉर्नर पकड़िए और वहाँ से उसको जो है कटिंग कर लीजिए। मतलब एक खुलने जितना हिस्सा बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ से पहले बिल्कुल बारीक सा कटिंग करूँगी, फिर जो है इसको पूरा खोलने के लिए पूरा कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से आप इसको आराम से इस तरह से कट कर लीजिए। अब जो है ये एक बैग बन चुका है, ठीक है। क्योंकि ये अभी उल्टा है तो अपन इसको जो है सीधा करेंगे। तो चलिए इसको पहले जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले दो छोटी सिलाई ली थी फिर एक लंबी सिलाई ली थी, अब अपन इसको जो है खोल के पूरा सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जो है आपको इसको सीधा कर लेना है आराम से, बिल्कुल ईजी रहेगा। आप इस तरह इसको सीधा कर लें, उसके बाद कंफर्टेबली जितना, अगर आपको मोटा गुना चाहिए तो मोटा कटिंग कीजिए, अगर छोटा चाहिए तो छोटा कटिंग करिए। अगर आप अभी सिलाई सीख रहे हैं, गुना निकालने में दिक्कत होती है तो बड़ा कटिंग कीजिए, और अगर आपको परफेक्ट सिलाई आती है तो आप चाहें तो बारीक कटिंग कर सकते हैं जिससे गुने की बचत होगी। तो देखिए ये इस तरह से है, जब आप इसको यहाँ से साइड से पहले कटिंग करना शुरू करें तो आप इस वाले एरिया को पकड़ें और बहुत ही पहले कम सा कटिंग करें। देखिए बारीक सा कटिंग करें, थोड़ी सी वन फिंगर तक का, फिर जो है आप इसको इजीली जितना आपको चाहिए उतना आप कटिंग करते जाइए। देखिए इस तरह से, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको जो है गोल गोल इस तरह से पूरी कटिंग करते जाइए, जितना आपको चाहिए उतना आप कटिंग कर सकते हैं, और इसमें जो है बीच में कहीं कटिंग नहीं आएगी। जब आपको लगता है कि ये गुना आपके सूट के लिए और लहंगे के लिए इनफ है तो उसको छोड़ दीजिए, उस हिस्से को वहाँ से कट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये जो है गुना पूरा कटिंग कर रही हूँ, तो इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरह से जो है इसको पूरा कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद ये जो है किस तरह से रह जाएगा। इजीली आपको इसको जो है गोल गोल में ही कटिंग करना है, कहीं पर भी कोई कट नहीं लेना है, और आप कहीं पर भी कोई कट ना लें। अब जैसे अगर आप पूरा गुना कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में आप इस तरह से इसको जो है कटिंग करके रख सकते हैं। तो अब जैसे ये बचा हुआ गुना है आप इसको फोल्ड कर रख दें, ये कहीं पर भी जो है डैमेज नहीं होगा, कहीं पर भी ख़राब नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ये एक कपड़े के जैसे आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं, इस तरह से गुना कटिंग हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।